एक मामूली सा इंसान हूँ और पपेट चला के अपना पेट भरता हूँ। आप कह रहे हो कि कलाकारी स्पीड से बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कलाकारी बहुत अंदर छुपी हुई है। पता नहीं इंडिया के लोग को क्या हो गया है, कलाकारी को कोई देख नहीं रहा है। मेरा नाम रोहित भट्ट है और मैं शांतिवाल निकेतन स्कूल में पढ़ता था, तो अभी तो फिलहाल मैंने छोड़ दिया और यहाँ कंप्यूटर करता हूँ। और पापा ने मुझे बचपन से लेके उंगलियाँ पकड़ पकड़ के मुझे पपेट सिखाई थी, उनकी बदौलत है जो मैं आज इतनी अच्छी पपेट चलाता हूँ। छोटी नण देरा पर रुमाले मारो ले तो जय जी तारे करनी है मैं तो भोजनिया लगाया आतो जातो रहते तो चिंता जय जोरे मारी छोटी नणा दीरा परने रे माले मारो ले तो जय जय। मैं राजस्थान नागौर जिला गांव कोरिया का रहने वाला हूँ, पर जिंदगी उम्र तो दिल्ली में गुजर गई। एक वक्त ऐसा था कि हमारे दादा श्री कारा राम भाट, मेरे पिताजी का नाम रामू जी भाट, जब गांव कोलिया से दिल्ली आए थे तो ये जगह शादीपुर डिपो जिसका नाम कठपुतली कॉलोनी है, ये पूरा जंगल होता था। यहाँ बड़े बड़े पेड़ होते थे कांटे के और भयंकर जगह थी, भयानक। तो हमारे दादा वगैरह दिल्ली आते थे, मेरे पिताजी भी, तो हम लोग घुमंतू बिछड़े वर्ग के लोग हैं। गांव डीडवाना कोलिया से जब आते थे तो कठपुतली का शौक गांव से गांव में करते करते दिल्ली पहुंचते थे। जाने जाना ओ मेरी जाने जाना, 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 अफसोस ना कर जाने जाना, अफसोस ना कर जाने जा इस दिल को तोड़ कर, अफसोस ना कर जाने जा इस दिल को तोड़ कर, अफसोस ना कर जाने जा इस दिल को तोड़ कर। आज क्या है जी, मैं खुद ही जा रहा हूँ तेरा शहर छोड़ कर। मेरे भाई है अनिल, वो सिंगर है, अभी वो 5 तारीख को रशिया जाएंगे क्योंकि वो रशिया में वो सिंगिंग करते हैं। उनके साथ एक लेडीज जाती है डांसर और एक वो खुद जाते हैं, वो 2 महीने के लिए जाते हैं और 10-12 दिन यहाँ पे रहते हैं। अगर हम आगे बढ़ जाएंगे कुछ जिंदगी में कुछ कर लेंगे तो उसके बाद करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को देखते हैं हम भी, क्योंकि काम पे जाते तो देखते हैं वो जिस तरीके से, मतलब गाड़ी में घूमते हैं बैठते हैं, पिक्चर देखने आते हैं, मॉल में घूमते हैं, तो हमारे दिल में करता है कि यार हम भी कुछ इनके जैसा हम भी रहे। तो आप तो कर सकते हो क्योंकि कंप्यूटर्स क्लासेस जा रहे हो, तो उसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वैसे, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए और पैसे कमाने के लिए मेहनत चाहिए, पहले मेहनत उसके बाद काम करेगा उसको। एक बड़ा बेटा है वो मेंटल है, उसको पोलियो हो गया था, वो विकलांग भी है हाथ पैर से भी, लेकिन वो एक चीज उसमें है कि वो जो अपनी परंपरा है वो नहीं बंद कर रहा, मेंटल होके भी गाना गाता है, वो गाता इतना अच्छा है, सुरावट है उसके आवाज में। काम मेरे को आता है लेकिन मैं नहीं करता,
करता हूँ, लेकिन फिलहाल कभी कभी मैं चल जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं पपेट में इंटरेस्ट देता हूँ। ठीक है, पपेट का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके अंदर मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। रोहित को तो बहुत काफ़ी इंटरेस्ट है कठपुतली सीखने का और वो चाहता भी है कि मैं सीखूं, लेकिन भी बच्चा है, सीखते सीखते उसका भी एक कभी दिल ऐसा ना हो कि खत्म ही हो रही है कठपुतली कला, मैं सीख कर ट्रेन होकर भी खाली बैठा हूँ। फेस्टिवल लगा था यहाँ पे इसराइल में, यहाँ पे हमें पपेट भी बेचनी थी और शो भी करना था, तो हम पपेट भी बहुत सारी ले गए और शो भी करके आए थे वहाँ पे। वहाँ पे मॉडल पपेट चल रही थी और वो मशीन से चल रही थी, तो मैंने अंग्रेज से कहा कि आप हाथ से नहीं चलाते, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो मशीन से चलाते हैं। तो मैंने उनसे उनको हाथ से चला के दिखाया ना, तो एकदम चौंक गए। गाँव में टीवी हो गई तो लोग टीवी ऑन करते हैं, तो मन जो जैसा उनको मनोरंजन के लिए पिक्चर चाहिए कठपुतली या डांस का गाने का, वो टीवी में आती है, तो लोग कठपुतली अपने घर में ही टेलीविजन में मनोरंजन देखते रहते हैं। दादाजी बताया करते थे कि एक जमाना ऐसा था कि एक पैसे में बहुत ही सामान इकट्ठा होता था, आज इतनी महंगाई है कि ये जमाना आ गया। वो एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, के थैला भर के पैसा ले जाए और मुट्ठी भर के अनाज आता है। कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। कला के साथ रोजी रोटी मिलनी बहुत जरूरी है, कि भूखा आदमी कोई काम नहीं कर सकता, और उसके पेट में रोटी है तो दिमाग आएगा, दिमाग ही आगे वो कला के लिए सोचेगा कि मुझे और भी कुछ इसके लिए कठपुतली कला को आगे बढ़ाना है और नए नए उसमें मनोरंजन डालना है, नई नई स्टोरी सीखनी है, तो ट्रेन तभी होगा जब तक उसको सहयोग मिलेगा। तब बचपन से हम सीखते आ रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी, हमें एक लिखना नहीं आता, हमें ढंग से बात करनी नहीं आती, और हम कलाकार इतने अच्छे हैं कि कोई हमारा मतलब मुकाबला भी नहीं कर सकता था। तो उन्होंने मुझे नॉलेज दी कि थोड़ा पढ़, उसके बाद तू आगे बढ़ सकता है। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी इतना बेवकूफ तो हूँ नहीं तो समझू ना, फिर मैं भी समझ गया था ठीक है यही बात है, हम थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो किसी से बात करने में थोड़ी अच्छी नॉलेज आएगी और काम मिलेगा, क्योंकि इंसान इंसान को इंसान देख के काम देता है। पढ़ूंगा लिख लूंगा तो मैं कुछ मदद कर पाऊंगा अपने पपेट पे, ताकि मेरी कला को भी ये दिखे कि मैं किसी अच्छे आदमी के हाथ में हूँ और मुझे कोई अच्छा आदमी चला रहा है जिसको नॉलेज है, और अगर जैसे हमारे पपेट की भी शोभा बढ़ जाएगी, क्योंकि पपेट को कभी कोई ऐसा नहीं कहेगा किसी अनपढ़ गवार चलाते। मैं ये चाहता हूँ कि हम हाथ से और इससे भी बेहतर चीज़ बनाएं। अब मैं शायद देखूँगा, मुझे मना नहीं है, अगर मुझे हाथ से ऑर्डर मिल गया पापा को तो मैं ही बनाऊँगा पपेट, तो ऑर्डर तो पापा को मिलेगा, गत्ते की पपेट बनाऊँगा मैं और वो मैं दिखाऊँगा बाहर, गत्ते की पपेट जैसे माइकल जैक्सन बना लिया गत्ते का, शाहरुख खान वगैरह ऐसे कुछ बनाऊँगा। मनाया था हम लोगों ने पहले, लेकिन वो थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि वो हमने गत्ते का बनाया था तो एक दो शौक किए भी थे उससे हमने, जिसका पैसा आया नहीं था हमारे पास, पहुँचा नहीं था, तो हमने वो ऐसे ही रख दी पपेट, वो सब फिर ख़राब हो गई, क्योंकि गत्ते की थी और ख़राब तो होनी थी।
आपने देखा नहीं ढंग से, मेरा आर्ट बहुत ऊपर है। फिर मैं सात पपेट, सात मटकी लेके और उस पर आग लगा के, हाथ में दो मोमबत्ती है, मैं आग लगा के ऐसे नचाता हूँ मैं पपेट, और फायर वाला पपेट नचाता हूँ मैं जो मुंह से आग निकालेगा। इसी चीज़ में मतलब रोड पे कभी क्या करते रहते थे, कभी क्या करते रहते थे, तो हुनरबाज का ऑफर आया था मुझे पपेट का। मुझे पता था इनमें कुछ पैसे वैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, बहुत परेशान करते हैं लोग, क्योंकि मैं इंडिया बॉस चैलेंज में गया था, बहुत परेशानी हुई थी मुझे। मुंबई बुला के बुला दिया, वहाँ पे दो दिन का नाम लिया था, तो पाँच दिन के लिए शूट तैयार नहीं हुआ उनका, पाँच सात दिन मुझे ऐसे ही फालतू में रहना पड़ा वहाँ पर मुंबई में। फिर मैंने कहा यार इन रियलिटी शो में कुछ फ़ायदा वायदा तो है नहीं, और बाकी नाम उम तो कुछ होता नहीं है, ये अपना ही नाम कर लेते हैं। मेरे दोस्त है दोनों, ये दो लड़कियां थी इसमें, कि ये भी कलाकार है, वहाँ की कलाकार है। इसका नाम तेरे को नहीं पता? हाँ लिख लेता कि लिख लेता क्या, फोन नंबर, ईमेल? इसका नाम ही अजीब सा है, फोन याद करेगा इतने। जब मैं जापान गया था, पहले मैं गया था 80 में अमेरिका इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल में, उसके बाद बैंकॉक और जापान, जापान की फोटो है 89 आठ 14 बजे टाइम दिया हुआ है। तो ये मेरी यहाँ मेरे बहुत काफ़ी दोस्त बने हुए जापान में, कुछ मैं इनकी भाषा भी वहाँ सीखी मैंने, यहाँ मैं शो कर रहा हूँ अपना। ये कच्चीगुड़ में जा रहा हूँ मैं, लड़की डांस कर रही है, ये जापनीज लोग बैठे हैं, यहाँ सुबह नाश्ता हो रहा है हम कलाकारों का। ये रोहित आपकी फोटो इस डाल के, ये आपके आर्टिस्ट है सारे, ये इसराइली आदमी इसराइल का, ये मेरी है, ये मेरी फोटो है, ये इसराइल वालों की इमेज पे आते हैं, ये कलाकार हैं, छोटे छोटे कंट्री के जो कलाकार थे आए हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी ये कठपुतली लोक कला है, इसको लोक कला को जीवंत रखना है, इसको ख़त्म मत होने दो। बचपन में बहुत कुछ देखा हुआ है यहाँ पे, दुख भी देखे हुए हैं, सुख भी देखे हुए हैं। अभी वो बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे उठाएगी, उठा के कहीं और डालेगी, तो मतलब अब थोड़े नर्वस है यहाँ पे कि हम यहाँ से उठ के कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई अलग से कोई घर तो है नहीं जहाँ पे हम यहाँ पे छोड़ के चलेगी। हम लोग ने भी जिद कर रखी है कि यहाँ पे थे कि नहीं जब तक हमारी पूरी लिस्ट ना मिल जाए हमें। वो लोग कह रहे कि हमें यहीं पे मना के वापस देंगे, पटेल नगर में कुछ झूठियाँ मनाई उन लोगों ने हमारे लिए कि जब तक ये तैयार ना हो जाए, जब तक आप यहाँ पे रहो, तो हमारे पास कुछ ऐसा वारंट नहीं है जो कि वो ये साबित कर सके कि हम यहीं पर देंगे तुम्हें 3 साल बाद। अब मेरे पास तो कुछ नहीं है उसको सहयोग के लिए आगे लाने के लिए, मैं तो जितना मेरे पास है मसाला वो सिखा रहा हूँ मैं, और वो सीखने के बाद आगे उसको रास्ता ना मिले तो कला खत्म कर दे।
फेमस होना या पैसा कमाना? फेमस होना, तो सबको पता है क्योंकि फेमस हो जाओगे तो पैसे तो अपने आप ही आएंगे। ओके, तो उसके लिए आप आर्ट को गलत जगह पे भेजना हो तो भी भेज दोगे आप? मैं ज़्यादातर तो अपने माँ बापों के लिए कुछ कमाना चाहता हूँ ताकि मैं उनको बहुत कमा के दे सकूँ, और अगर मेरा नाम ऊंचा हो रहा हो और मैं कोई बड़े स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस कर रहा हूँ तो मैं फ्री करूँ, क्योंकि मुझे नाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरा नाम होगा तो लोग मुझे बुलाएंगे और मुझे आर्ट के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आर्ट की इतनी तारीफ कर रहा हूँ, और उसे कोई खरीदेगा तो मैं उसे बेस्ट हूँ।